ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बुकसोर्ट्स। अब नामपल्ली के हलके में 1,00,000 बुकसोर्ट्स थे जिसमें से हम 50,000 निकाले और 50,000 वैसी है, और हैदराबाद लोकसभा में 5,00,000 और बुकस है। चंद्रायन बुट्टा, याकूतपुरा, गोशा महल, कारवान, मलकपेट, चार मीनार, यहाँ पर 5,00,000 वोट। और ये कंप्लेंट मैं मुख्यमंत्री को दे चुका हूँ और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी दे चुका हूँ, सीईओ तेलंगाना को भी दे चुका हूँ और जीएचएमसी कमिश्नर को भी दे चुका हूँ। सो अब उनको हम मैकेनिज्म बताएं कि वोट्स आप कैसा निकालना। तो ओल्ड सिटी के अंदर कभी भी जब भी चुनाव होता तो इसके अंदर जंगल राज रहता, गुंडाइज्म रहता, बोकस वोट रहती, और ये जो एमआईएम पार्टी है हर एक मुख्यमंत्री के गोद में आके बैठ जाते ये लोग। तो इस तरीके से पूरी तेलंगाना का चुनाव एक जगह, हैदराबाद का चुनाव एक जगह, और पूरी बुनियाद जो है चुनाव की वो बोकस वोट के ऊपर बुनियाद है और ओल्ड सिटी में और कुछ भी नहीं है। साहब, क्या कांग्रेस मुसलमान के लिए लड़ रही है? 100% लड़ रही। आज़ादी से पहले लड़ी, तेलंगाना से पहले लड़ी, तेलंगाना आए बाद लड़ी, आज भी लड़ रही। आज पूरे मुसलमान कांग्रेस को वोट डाले। क्यों वोट डाले? बीआरएस के वादे झूठे निकले। 12% बोले आप दे सके, नहीं दे सके। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी बोले दे सके, नहीं दे सके। नौकरियां नहीं दे सके, डबल बेडरूम नहीं दे सके, उर्दू लैंग्वेज नहीं कर सके। सो मुसलमान समझ गया कि ये केसीआर एक बड़ा झूठा है, और जो भी मदद मिली मुसलमानों को वो कांग्रेस करती। वो उम्मीद से फिर से तेलंगाना में पूरे मुसलमान कांग्रेस को वोट डाले। क्या इस बार हैदराबाद में ओवैसी के लिए इंतखाब मुश्किल है? बराबर मुश्किल कर देंगे, क्योंकि हम बोकस वोट निकाल देंगे, और उसके बाद में हमारी कोशिश पूरी है कि हम इंडिया अलायंस में एमपीटी पार्टी लेके आए, और इंडिया अलायंस में एमपीटी पार्टी की पकड़ है ओल्ड सिटी में। कांग्रेस उसको सपोर्ट करेंगी और पब्लिक में जाएंगे, बोकस वोट्स निकाल देंगे और आवाम से पूछेंगे कि आपको तरक्की हुई क्या, तेलंगाना पूरा डेवलप हो गया, ओल्ड सिटी क्यों नहीं डेवलप हुआ, ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्टेड क्यों है, ओल्ड सिटी की गलियों में अभी भी तंगी क्यों है, बेरोजगारी क्यों ख़त्म नहीं हुई, एक अच्छा स्कूल क्यों नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम पूछेंगे। ड्रग्स इतना क्यों है, राउडिज्म इतना क्यों है, मिट्टी के ऊपर पैसा क्यों लिया जाता, और ये जो लैंड ग्रैबर्स है, लैंड शार्क्स है, और ये मनी लेंडर्स है, ये लोगों का जो हंगामा चलते रहता, जो गरीब आवाम के ऊपर सितम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आवाम को पूछेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है आवाम पलटेंगी और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। क्या ये मुल्क में मुसलमान की पार्टी बनकर उभरी? कौन सी? AIMM। अरे AIMM तो बीजेपी की बीटी में भाई, ये ओपन सीक्रेट हो गया। RSS का कोई सबसे बड़ा एजेंट है बोलते वो असदुद्दीन है। ये सारी दुनिया को समझ में आ गया। जब हम पहले बोलते थे तो लोग भरोसा नहीं करते थे, आज पूरी दुनिया भरोसा कर रही। कई को हिंदुस्तान में फिर रही, क्या है उनके पास? 1% 2% वोट काटते जाके। किसके काटते? कांग्रेस के काटते। और फायदा किसको करते? बीजेपी को आप फायदा करते। लेटेस्ट राजस्थान में आप करें, उत्तर प्रदेश में जाके आप 100 सीट क्यों लड़े आप? तेलंगाना में आप पैदा हुए, आंध्र प्रदेश में आप पैदा हुए, यहाँ पे 10 सीटें लड़ते, आप उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटें लड़ते, क्या है आपका मतलब? आप क्यों जाते महाराष्ट्र? आप क्यों जाते राजस्थान? आप क्यों जाते कर्नाटका? आप पूरा हिंदुस्तान क्यों फिरते? आप बीजेपी की बीटी में बोल के फिरते आप? ये सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। तो मुसलमानों के चैंपियन नहीं है आप असदुद्दीन। अगर से चैंपियन होते तो तेलंगाना में वापस ला लेके आप, आपके दोस्त को, बीआरएस को, आपके बड़े भाई को, केसीआर को आप 30 सीटें मुख्यमंत्री बनाते थे। सो ये फंडा छोड़ो, चैंपियन वैम्पियन इनकी दुकान चलने का ड्रामा करते रहते, बस इनकी पार्टी का काम वही है, बीजेपी को मदद करा देना, यहाँ पे बीआरएस को मदद करा देना, कांग्रेस को कमजोर कर देना। पर इंशाल्लाह ये नहीं होने वाला है तेलंगाना में। तगड़ा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आ चुका है और कांग्रेस को इनके पूरे कामा से वाकिफ हो चुके हैं, इनके चोर कामों से। बराबर हम बोकस वोट पकड़ेंगे, बेहतरीन ऑफिसरों को हम डाले और बेहतरीन ऑफिसरों को हम डालेंगे जो हक का काम कर रहे हैं, ईमान का काम करेंगे, गरीब का काम करेंगे। बस इससे हम बराबर असदुद्दीन को ये टाइम डिफीट देंगे। इस लोकसभा इंतखाब में बीआरएस का क्या प्रभाव? बीआरएस को सिर्फ तेलंगाना में भविष्यवाणी में बहुत फेमस हूँ, जब भी मैं भविष्यवाणी देता हूँ वही छोटा। सो मेरी भविष्यवाणी आप सुन लीजिए, 2 सीटों से बढ़ के नहीं आने वाले हैं। ओवैसी को उत्तर प्रदेश और दिगर रियासतों में इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। कहीं को लड़ना चाहिए? पहले ओल्ड सिटी को डेवलप करो। बोलो, असदुद्दीन हंगामा करता पार्लियामेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी का दोस्त है, बल्कि बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी ले लिए। मगर असदुद्दीन को मैं ये बात बोलता हूँ, भाई तुम ओल्ड सिटी को बनाओ,
समझे ना, लास्ट टाइम तुम तुम्हारे मुख्यमंत्री बड़े बड़े बात करे थे, इस्तांबुल बनाता हूँ, सिंगापुर बनाता हूँ, इस तरीके की आप बात करे। आज पिछड़ा गाँव बना हुआ है ओल्ड सिटी, आप लेफ्ट को देखिए पार्मा सिटी, वहाँ पे देखिए हाईटेक सिटी, इधर पे फिल्म सिटी, इधर पे इंटरनेशनल सिटी, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर जगह पे हंगामा डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ एक ओल्ड सिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका राज क्या है, कौन है वो साथ MLA, MIM, कौन है वहाँ का MP, असदुद्दीन द ग्रेट? तो पहले आप ओल्ड सिटी बनाओ, पहले घर को बनाओ, फिर बाद में जाके शहर में फिरो। घर को तो आप बनाते नहीं, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली पूरी कौम को आप कमजोर रख देते, करके आप जंगल राज करते। असदुद्दीन तुम बैरट ला पड़े, और असदुद्दीन मेरे को पूछे थे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि फेनाटिज्म की स्पेलिंग आती क्या फिरोज खान? मैं आपके चैनल पे पूछ रहा हूँ, असदुद्दीन आप बैरट लॉ करे, डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती क्या आपको? सो पहले आप डेवलप करिए ओल्ड सिटी, फिर बाद में दुनिया भर फिरिए आप, पहले मुसलमान को बनाइए, फिर जय मीम, जय भीम, जो जो बोलना है बोलिए। सो पहले अपने गिरबान में देखिए, पहले अपने शहर को डेवलप करिए, जहाँ से आप MP चुन के आते थे, आपके बाप दादा भी यहाँ से चाहे, आपके भाई भी यहाँ से चाहे, हर चीज आपकी यहीं है, दारुसलाम भी यहीं है, पर सिर्फ आप डेवलप हुए मगर आवाम को डेवलप नहीं करे, तो डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती या नहीं आती? असदुद्दीन, जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद।